कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 के तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। देखिए ए हमें दिया गया है 7, ए 13 हमें दिया गया है 35। इसका मतलब यह है कि इस एपी में एन कितना है? 13। हमें निकालना है डी और एस 13। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी ए 13 हमें दिया गया है 35, यह बराबर है ए जो कि है 7 प्लस एन, एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी। जब भी मैं आपको कोई भी सवाल समझाता हूं तो आप कोशिश यह किया कीजिए कि मुझसे एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करिए और अपने मन में यह सोचिए कि मैं इससे आगे क्या लिखूंगा। यदि आप खुद से एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करेंगे तो आप हमेशा प्रश्न को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप सभी के लिए भी है जो मेरी कक्षा में बैठे हैं। आगे देखिए 7 इस ब्रैकेट के साथ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ बच गया 13 में से एक निकाला 12 गुना 35 में से यदि हम 7 निकाल रहे तो ये आ गया 28 और 12 इसके साथ गुना हो रहा है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया डी के बराबर। यदि हम इसको आपस में काटना चाहें तो 4 दिए 12, 4 7 28, इसका मतलब डी हमारे पास आ गया है 7 बटा 3 के बराबर। तो हमारा जो प्रश्न का प्रथम भाग था कि डी ज्ञात करना है वह हमने ज्ञात कर दिया है, डी बराबर है 7 बटा 3 के। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है एस 13 यानी कि इस एपी के 13 पदों का योग। एस एन का फार्मूला है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 13 किसके बराबर होगा? एन, एन है 13 बटा 2 इंटू 2, बताइए ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 बटा 3। कई बच्चे ये बटा देखकर ही डर जाते हैं कि पता नहीं हमारी कैलकुलेशन कितनी ही मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसे देखते हैं। एस 13 बराबर यह है 13 बटा 2, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये बन गया 2 गुना 7 14 प्लस 13 में से 1 निकाला 12 गुना 7 बटा 3, 3 से 12 कट गया 4 के 12। तो ये आ गया एस 13 बराबर 13 बटा 2 गुना 14 प्लस ये आ गया 7, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के साथ गुना 7 भी है, तो 4 7 28। तो ये आ गया 13 बटा 2 गुना 28 में 14 प्लस कर दिए तो ये आ गया 42 और 42 को यदि 2 से काटेंगे तो ये आ गया 21। अब हमारे पास एस 13 बन गया, 13 को 21 से गुना करना है। तो आइए 13 को 21 से गुना करके देखते हैं। 13 एकम 13, उसके बाद है 13 दुनी 26, तो ये आ गया 273 यानी कि 273। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के दो भाग थे। प्रथम भाग में हमने निकाला डी बराबर 7 बटा 3, दूसरे भाग में हमने निकाल दिया एस 13 बराबर 273। यही इस प्रश्न का हल है।